बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंडिया से जो है पहली फ़्लाइट जो एमरेट्स एयरलाइन की दुबई में पहुंच चुकी है, इंडियन पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई भी जो है बताया जा रहा है। एक मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि अभी कोई भी पाकिस्तानी जो है वहाँ के लिए अभी नहीं पहुँचा, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट जो है उनसे पूरी नहीं हो पा रही। वो ये कि रैपिड जो एक PCR का टेस्ट है वो एयरपोर्ट में जो है वो होना चाहिए था, उसको ना होने की वजह से बहुत से लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सके दुबई के लिए। तो ये यानी कि उन लोगों की जो ख़बर में बता रहे थे कि लोगों की रिक्वायरमेंट है कि एयरपोर्ट में PCR का रैपिड जो है ना कोरोना टेस्ट हो, ताकि उनके जाने में कोई भी रुकावट ना आए। एक तो ये है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी होगा, क्योंकि अब ये शुरू हो गई है, बहुत से लोगों की नौकरियों को ख़तरा है, बहुत से लोगों के वीज़े एक्सपायर का ख़तरा है। तो अब कौन कौन से लोग जो है वो अब इन जो है जा सकते हैं दुबई के लिए। एक तो सबसे पहले बताऊं आपको, गोल्डन वीज़े वाले इस वक्त जा सकते हैं। जो टीचर हैं वो बग़ैर कोरोना टेस्ट के भी, वैक्सीन के, कोरोना टेस्ट तो करवाना पड़ेगा, वैक्सीन अगर नहीं भी लगवाई तो वो जा सकते हैं टीचर। तो उसके अलावा आपको बताते चलें कि जिन लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं पाकिस्तानी, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको सबसे पहली बात ये, जो जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, जॉब वाले हैं, उनके पास सबसे पहले तो है, चाहे वो 6 महीने के ऊपर वाला 6 महीने एक्सपायर हो गया, लेकिन आपको या आपका 6 महीने से अभी एक्सपायर नहीं हुआ जो रेजिडेंट परमिट वीज़ा है, अगर आप नहीं भी हुआ तो फिर आप लोग जो है GTRF की या ICA की, अगर आपने दुबई जाना है तो GTRF की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अबू धाबी, शारजा, अजमान, रैसर कैमा लाइन इधर जाना है तो आपको फिर ICA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास रेजिडेंट परमिट दुबई के अलावा किसी और रियासत का है, तो आप दुबई एयरपोर्ट उतरना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ICA की अप्रूवल होनी चाहिए। तो उसके अलावा आपको बताते चलें कि आपके पास जो है PCR का टेस्ट होना चाहिए जो 48 घंटे से ऊपर ना हो, और जो है आपके पास अल हुसन ऐप भी होनी चाहिए, और आपके पास जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो फिर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप जो PCR का टेस्ट करवाएंगे वो QR कोड के साथ होना चाहिए। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।